बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में नए अफसरों की नियुक्ति हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 4 नई नियुक्तियां की हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण के निदेशक बने हैं डॉक्टर कौस्तव नायक। तो देखिए, लगातार पश्चिम बंगाल में आधिकारिक स्तर पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले के बाद से लगातार वहां पर उबाल है नाराजगी का। और इस एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनका प्रदर्शन लगातार रहा, उनकी ओर से मांग भी थी कि ये जो अधिकारी जिन्होंने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है उनको हटाया जाए। एक तरफ पश्चिम बंगाल के नए DGP, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में नए अफसरों की नियुक्ति में स्वास्थ्य विभाग में 4 नई नियुक्तियों का जिक्र भी है, जिनमें स्वास्थ्य परिवार कल्याण के निदेशक के तौर पर डॉक्टर कौस्तव नायक को चुना गया है। तो यहाँ देखिए बदलाव हो रहे हैं। इस बीच गिरफ्तारियों का भी आपने दौर देखा। आप जो आजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे पूर्व, उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा जो SHO थे जिन्होंने मामले को लिखने में देरी की, उनके खिलाफ कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो मामले में कुल मिलाकर मुखिया आरोपी के साथ साथ जो संदिग्ध हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई, या फिर जिन्होंने कहीं पर भी लापरवाही बरती, या फिर क्योंकि देखिए आप अगर पूर्व प्रिंसिपल की बात करते हैं तो उनके ऊपर खासतौर पर आरोप ये लगे कि तथ्यों को मिटाने में उन्होंने प्रयास किया, और इन्हीं आरोपों के तहत में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। SHO के खिलाफ भी गिरफ्तारी हुई, DGP के खिलाफ भी एक्शन हुआ, DGP पर भी गाज गिरी और DGP को भी अपना पद खोना पड़ा। एक तरफ पश्चिम बंगाल को नया DGP मिला, तो वहीं नए अफसरों में एक और नियुक्ति भी होती है डॉक्टर कौस्तव नायक की।